यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दोस्तों यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइज एक ही टेक्निकल पॉइंट के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर दोस्तों। और आज के इस वाले वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। और फिलहाल अभी आप सभी लोग यहाँ पर जो है माइकल दादा के एपिसोड देख रहे थे यार, वो बाप बेटे दोनों ना वहाँ खेतों में जाके पता नहीं बस क्या कर रहे हैं बेवकूफ़ आदमी, तो उनका एपिसोड जो है कल आएगा, तो आप वो देखना, ठीक है। तो फिलहाल आज का प्लान ये है, नताशा जी तो अभी जो है वहाँ बाहर खड़ी हैं, ठीक है, वो अपना फ़ोन वगैरह चला रही हैं, और मैंने ना उनको एक सरप्राइज़ देने की यहाँ पर सोची है। जी हाँ, मैंने यहाँ पर नताशा जी के लिए एक लेटेस्ट कार परचेज़ की है, ठीक है ना, और आज उस गाड़ी की डिलीवरी है, तो हमें उस गाड़ी की दोस्तों डिलीवरी भी लेने जाना है, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर कुछ उन्हें कपड़े वगैरह भी खरीदने, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी है, वो भी करवा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए सब जल्दी से जो है चलते, एक बार नताशा जी से जाके पूछ लेता हूँ अभी क्या कर रही है, क्या नहीं, चलना भी है उसे नहीं चलना, दिमाग की ऐसी है ना, रुक जाओ। और मैडम जी क्या कर रही हो फोन में? कुछ नहीं, ऐसे ही फोन चला रही हूँ। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, आज ना एक काम करते हैं, थोड़ा बाहर बाहर घूम के आते हैं, क्योंकि बताऊं क्यों, मैं घर पे बोर वगैरह हो गया, और ना आज तुम्हारे लिए खतरनाक चीज मैंने सोच रखी है, क्या तुम्हें याद है? नहीं तुम्हें याद है क्या, आज आज का दिन कौन सा है ये बताओ, आज आज कौन सा स्पेशल डे है, चलो ये बता दो। नहीं मुझे नहीं याद। अच्छा तुम्हें याद नहीं है, जिस दिन हम पहली बार नताशा मिले थे, जिस दिन हम पहली बार मिले तो तुम्हें आज वो दिन नहीं याद है? तुम कैसे भूल सकते हो यार? भूल गई थी मैं। अरे मैं पागल बेवकूफ बना रहा हूँ तुझे? वाकई में नहीं याद है, आज कुछ भी दिन नहीं है पगलेट, मैं तो तेरा सिर्फ टेस्ट ले रहा था, सिर्फ तेरा टेस्ट ले रहा था, मैं समझ गई। नताशा जी चलें फिर घूम घाम कर आते हैं, और आज आपके लिए जो स्पेशल डे है, डे कुछ नहीं है, वो मैं बेवकूफ ही बना रहा था आपका, एक चीज है स्पेशल जो कि आपको दिखानी है, ठीक है ना। क्या चीज है आप ये तो बताओ। एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको मानने की बात, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा, जिस चीज़ को देखकर आप बिल्कुल यहाँ पर पागल होने वाली हो, लिटरली पागल हो जाओगी इस चीज़ को देखकर, सच बता रहा हूँ मैं। तो चलो चलते हैं फिर। हाँ चलो आ जाओ। कपड़े सही लग रहे हैं ना मेरे? नहीं। क्यों? कपड़े चेंज कर गया हो। तो कपड़े क्यों चेंज कर गया हूँ नता जी, इतने तो अच्छे कपड़े लग रहे हैं मेरे, कपड़े चेंज करने की क्या ज़रूरत है इसमें? नहीं अच्छे नहीं लग रहे हैं आप। अच्छा जी, तो मतलब कौन से कपड़े पहनो फिर? या मेरे तो कपड़े भी दो, एक तो तुम कपड़े भी धोती मेरे, सारा दिन तो तुम फोन में ही लगी रहती हो, क्या करूँगा फिर मैं? आप जाकर देखो आपके कपड़े रखे, आप चेंज करके आओ। नहीं मेरी बात तो सुनो, मुंडी ना हिलाओ, ये मुंडी ना हिलाओ, मुंडी तोड़ दूंगा तुम्हारी अगर मेरे कपड़े ना धुले में मिले, समझ गई? ये बहुत बोलती है दोस्तों। हाँ जा रहा हूँ देख कर आता हूँ, तो दोस्तों बहुत ज्यादा बोलती है, मुंडी हिला रही है इधर उधर, अच्छा इसकी मुंडी तोड़ूंगा अगर अगर मेरे कपड़े धुले में ना मिले। खैर वैसे बढ़िया बीवी है मेरी, धो देती है बेचारी, अभी देखो जरा। हाँ बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया धो रखे हैं। आज 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 क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ, आज ना कोट पैंट ही पहन लेता हूँ दोस्तों, फुल सूट है ना, बहुत दिन हो गए फुल सूट पहना भी नहीं, कभी मुझे बोल ले शादी में जा रही क्या किसी की, हैवी चलो बढ़िया लग रहा है इसी के अंदर, चलो फुल सूट पहन लिया आज तो तुम्हारे भाई ने, थ्री पीस पहना है, क्योंकि यार दोस्तों बहुत टाइम ऐसा हो जाता है हम शहर में घूमते हैं और सूट वगैरह भी नहीं होता, तो बढ़िया पहन लिया, कैसा लग रहा है? इसकी शादी में जा रहे हो हम तो? शादी में आज आज हम एक बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हैं, तो अगर मैंने सूट पहन लिया तो क्या हो गया? हाँ मुझे पता है हमारी शादी का सूट है, लोग बागों के आगे मत बोलना वरना मेरा मजाक उड़ाएंगे, चुप हो जाना ठीक है? चलो चलते हैं फिर। आ जाओ, बाइक से निकाल लो, कार से हैं? कार से चलोगी जी। और मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात तो सुन लो। बोलो। ये जो कर रहा ये हमारा कुत्ता, ये जो कर रखी इसने, यहाँ जो कर रखी कौन साफ करेगा, ये हम मक्खी भिन भिन आ रही कौन साफ करेगा? मुझे नहीं पता कौन साफ करेगा, आप लेकर आए थे आप देखो कौन साफ करेगा। मैं तो साफ करने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा, मैं नहीं करनी साफ। आप साफ करने वालों में से नहीं हो, मेरे कुत्ते की टट्टी साफ नहीं करनी तुम, तो अपने बच्चों की कहाँ से कर लोगी? आप लेकर आए थे ना तो आप साफ करोगे, आपको शौक था डॉग लाने का, तो आप ही साफ करोगे। हाँ ठीक है भैया, हमें डॉग लाने का शौक था दोस्तों, साफ भी हम ही कर लेंगे, हमने चॉप की टट्टी कोई बात नहीं, मेरे बेटे चॉप, चलो चलो
चलो अंदर, खाना दिया था ना मैंने आपको, चलो बस चलो अंदर पहुंच लो मिनट से पहले। आ जाओ जी, चलो मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। अरे मैडम जी पैरों में मेहंदी लग गई क्या? आ जाओ बस ऊपर को। अब आपके पीछे पीछे ही तो आ तो रही हूँ। ये देखिए हमारी गाड़ी कैसी लग रही। यार तुमने इस पे भी कपड़ा नहीं मारा आज, क्या करती हो तुम पूरे दिन घर में? मेरी समझ में नहीं आता। कपड़ा भी मैं मारूंगी। अच्छा, घर के नौकर कहाँ चले गए? नौकर तो छुट्टी पर गए हैं, नौकर तो छुट्टी पर गए हैं। अब हम क्या करें? चलो आ जाओ बैठिए आप। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है। मानने की बात मैं आपका ड्राइवर हो गया जो आप पीछे बैठ गई हो, है आगे आके बैठ जाओ। चलो चुपचाप, मैं क्या कह रहा हूँ जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? दे रहा है। तो मैं ड्राइवर हूँ क्या? नहीं नहीं, आ रही हूँ, आ गई। हाँ ये भाई साहब पता नहीं, मुझे तो हर कोई अपना ड्राइवर समझे। इधर आ जाओ चुपचाप भाग के, आ जाओ चलो आगे बैठ जाइए बस चुपचाप। चलो आगे बैठो। ठीक है चलो। हाँ नहीं तो भाई साहब पीछे बैठ रही हैं। अच्छा जी, हम तो महाराजा वो हैं। चलो और बताओ ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी। अच्छा मैं क्या कह रहा था, उस दिन मुझे तुम्हारी सहेली आई थी उसका नंबर दे देती यार। अच्छा क्यों? हाँ, वो ना उस दिन उसने मुझे बोला था कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए ना ये कोट सिलवाना था, तो मैं जरूर उसे ना बेचारी को व्हाट्सएप पे वो नंबर बता देता दर्जी का। नहीं, नंबर बस मैं खुद पूछ के बता दूंगी आपको ना। अच्छा ठीक जी, और बताओ। आप रहने देना, आप मत करना मैं। ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं खुद पूछ के बता दूंगी वो क्या बोल रही थी आपको। ओ तेरी, ओ मजा आ रहा है, ज्यादा तेज तो चला रहा मैं। धीरे चलो, इतनी जल्दी किस बात की है? अरे हमें उस लोकेशन पर पहुंचना है। क्यों हो रहे हो आप? क्या हो रहा है? इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो आप? कौन सा सरप्राइज है? बहुत खतरनाक सरप्राइज है नताशा जी, अगर तुमने देख लिया ना। और मेरी बात तो सुनो जी, वो जिमी अब तो नहीं फोन करता तुम्हारे पास? नहीं। हाँ, उसने भाई बहुत बहुत वो कर रखा कि कलवे की लुगाई तो भाग गई, लुगाई तो थोड़े दिन के लिए वाइस सिटी क्या चली गई थी। मुझे बताओ क्या कह रहा, कह रहा तेरी लुगाई तो भाग गई, तेरी लुगाई तो भाग गई, तू तो रंडवा है, ये बोल रहा मुझे। बताओ जिमी पागल है। हाँ मुझे वो बता रहा, मैंने कहा बताऊंगा बेटे तुझे बताऊंगा, चलेंगे उसके पास भी कल को। मैं क्या कह रहा था, थोड़े कपड़े वगैरह खरीद लेती तुम, है तुम कह रही थी मुझे खरीदने को। ठीक है ठीक, चलिए हम अपनी गड्डी को ना यहीं पर लगाते हैं। चलिए भैया आ जाओ जी, मैडम जी उतरो। ठीक है चलो। अब मैं ना दोस्तों नताशा, हाँ बहुत सारी शॉपिंग कराऊंगा, बस जिस पे हाथ रखोगी ना वो वन दिलवाऊंगा। $100 से ऊपर की चीज नहीं दिलवाऊंगा, अब जो तुम्हें खरीदना है खरीद लो। देख लो आपको क्या पसंद आ रहा है। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज हैं, ठीक है ना, मुझे तो बस अपने लिए चश्मा देखना है। एक बार जरा ये देख लेती हूँ, मैं अपने ग्लासेस ले रहा अपने लिए, कौन से लूँ देखना, कौन से अच्छे लग रहे हैं। ये गोल्डन वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना ये वाला जी। ये वाला ले लूँ? वैसे तो भाई मेरी $185 का, मैं तुझे बताऊं अगर हम भारत में खरीदते पता कितने का चश्मा है? कितने का? $185 ये हो गए भारत के हिसाब से, ऐसा है ₹19,000 का, सही है ना? हाँ 19,000 का, कैसा लग रहा? इतना महंगा? हाँ अच्छा लग रहा है। नहीं 19,000 का नहीं, मजाक कर रहा है, 11,000 का होगा। तब भी महंगा है। हाँ क्या कह रही, ₹100 वाले मिलते जी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब देख लो यार आप अपने लिए जो भी यहाँ पर आपको परचेज करना है, बाकी मैं बिलिंग वगैरह करा देता हूँ, ठीक है ना, जल्दी देख लो जो भी लेकर आना है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यार यहाँ पर तुम्हारे भाई के करीबन ₹50,000 तो भाई जो है डूब चुके हैं इन मोहतरमा की शॉपिंग के लिए। क्यों मैडम जी, अब तो सुकून है दिल को बहुत ज़्यादा। तो गाइज जो मैडम जी के बैग्स हैं, इन्होंने गुची और पता नहीं कौन कौन सी यहाँ पर कंपनीज के भाई जो है ब्रांड्स के कपड़े खरीदे हैं, सारे के सारे बैग्स वगैरह रखे हैं। तो और बताइए नताशा जी, अब किधर चलना है? जा,
देंगे। ओके ओके ओके। वैसे नताशा जी मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्या कहते हैं, जो आपकी बहन नहीं है मेरी साली जी, अरे जिमी की घरवाली, अच्छा फिर हाँ, तो उनका तो बच्चा भी हो गया, वो तो अपने लौंडे को टुन्ना फिराता घूमता है, शहद का कहता है मेरा लौंडा तो टुन्ना चूस रहा, हमारा कब होगा। ऐजी नताशा जी क्या कह रहा है, मैं क्या बोल रहे, मैं कह रहा हूँ जिमी के बेटा ने देखा आपने अभी तक? नहीं मैंने अरे, देखा जिमी का बेटा। अरे तुम ना वहाँ पर गई हुई थी, क्या कहते हैं, वाई सिटी गई हुई थी, तब उसका बेटा हो गया। इसके जैसा है, जिमी जैसा? जिमी जैसा ही है, टुन्ना चूसता रहता है दिन भर। हमारे बच्चे पता नहीं कब होंगे, क्या तू तो भाई तेरी तो लुगाई भाग गई, तेरे कहाँ बच्चे, ये बोलता है मुझे तो। फिर आप क्या बोलते हो? मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो सहन लेता हूँ, मैं वो सहन शक्ति बहुत है। अच्छा। अभी ना नताशा जी देखो, मैंने आना आपसे एक बात छुपाई थी, बता दो। आपको पता है मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मुझे बचपन से पाल पोस के मेरी मासी जी ने बड़ा किया है, तो बेचारी आजकल ना यहीं रहती है और उनका घर थोड़ा छोटा है, ठीक है ना, तो वैसे आपका स्टैंडर्ड है तो नहीं ऐसा, पर कोई बात नहीं, फिर भी एक बार चल लेते हैं उनके घर, है बेचारी याद करती है बहुत हमें, चलते हैं। कहती है बहू को लेकर आना कभी, बहू को लेकर आना। मैंने कहा ठीक है चलो एक बार चलूँगा लेकर, है ना। क्या कह रही हो आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई थी? अरे मैंने इसलिए छुपाई थी क्योंकि आप इतनी अमीर हो, मुझे नहीं पता था आप सेट हो जाओगी मेरे से, कह रहा हम अपनी शादी में तो बुलाएंगे उन्हें। ये पहुंच गए हम, थोड़ा ये एरिया ऐसा ही है। अरे भाई रुक तो जा, गाड़ी तो मोड़ने दे, आ रहा तू, आया बड़ा, यही लगा देता हूँ मैं जी गाड़ी। चलो बढ़िया। ये देखो थोड़ा सा इनका घर ना है टूटा फूटा सा है, वैसे बढ़िया ही है ना, इतना ज्यादा टूटा फूटा तो नहीं लग रहा आपको? आ जाओ अंदर। ये ना मुझे गालियां देती रहती है जब भी मैं आता हूँ यहाँ पर, आ जाओ आ जाओ। ये बैठी है, ये बैठी हैं। इनका ना जब से मैं इनको यहाँ से छोड़कर गया हूँ ना, इनका थोड़ा सा दिमाग ना खराब सा रहने लग गया है। इसे मिलके कैसा लगा फिर? ठीक लगा है आपकी मासी जैसे उनका। क्यों क्या हुआ? थोड़ा मूड सा ऑफ हो गया यार, तुम्हारा क्या हुआ? यहाँ पर रहते थे हम। हाँ मैं यहीं पे रहता था। देखो ये थोड़ी सी, ये इनका बिचारी का इनका डाइनिंग टेबल है, ठीक है ना, स्टोरी है यहाँ पर बहुत ज्यादा। अच्छा मेरी बात तो सुनो, पियो। नहीं मैं पी लूँ थोड़ी सी? गट 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 गट। मजा आ गया। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या हुआ? चलो चलते हैं बस। रुक तो जाओ, मैं तुम्हें कमरे तो दिखा दूँ। देखो मेरी बचपन की साइकिल पड़ी है अभी भी यहाँ। अच्छा रुक तो जाओ, रुक तो जाओ। ये देखो ये बाथरूम है इनका, कैसा? ठीक है। ये देखो सफाई देखो किस कदर की है, सफाई है ना? सफाई नहीं है, गंदगी है यहाँ पे, गंदगी बहुत ज्यादा है ये, बस इन्होंने थोड़ा सा फैला रखा है। ये था मेरा कमरा पहले, ये यहाँ पर रहते थे हम। हाँ ये बेड था और ये बस यहीं पे रहता था मैं। क्या हुआ? अरे भाई तुम अमीर बाप की औलाद हो तुम, चलो छोड़ो आ जाओ। ये मेरी मासी ना ऐसे ही बोलती है, इनकी बात का बुरा मत मानिए, आ जाओ आओ। क्या हुआ? हाँ हाँ रुक गया बैठो। कहाँ फिर पीछे बैठ रही हो? मैं नहीं बिठाना, आगे बैठ जाओ। मैं बिठाना ही नहीं। फिर पीछे बैठ गई, देख चढ़ो। क्या करा दिया तुमने? लग गई यार, आगे से निशान पड़ गया। अभी से ठीक कराना पहले, कहीं नहीं ठीक ठूक करा रहा मैं। ऐसी ऐसी गाड़ियों में तो सुसु करने जाऊं मैं। क्यों? हाँ मुझे नहीं पता था, बहुत अमीर हूँ मैं, पैसा बहुत है, प्यार चाहिए। अच्छा हाँ तो प्यार तो मैं बहुत करती हूँ आपसे।
नहीं, प्यार तो तुम मेरे से बहुत करते हो, मुझे लोगों का प्यार चाहिए फिलहाल, अभी तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है। तो लोगों को बोलो प्यार दिखाएं अपना। इसको ना अभी हम धुलवा लेते हैं पहले। चलो भैया यहाँ पर देख, नताशा इंडिया की तरह धुलती है यहाँ पर गाड़ी ना, ऑटोमेटिक धुलती है। अभी देख, अभी हम अंदर चल रहे हैं, अब देख पानी आएगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ए आजा 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 आजा, ये आया पानी। अब इसको हाथों से धोने की जरूरत नहीं, ये देख कैसे धुलेगी अब अपने आप। ये ऊपर से धुल गई, सनरूफ भी धुल गई गाड़ी की अब हमारी। हाँ अब ये साइडों से धुल जाएगी यहाँ पर, ये धुल गई। अब यहाँ से दोबारा पानी लगेगा, अब यहाँ पर हवा लगेगी सूखने के लिए। बढ़िया, अच्छी वॉश हो गई ना यहाँ पर ये। हाँ हमारी गाड़ी एकदम चमचमा रही है दोस्तों, बिल्कुल। तो अब अभी गाइस ना हमें सबसे पहले कहाँ पर जाना है, सबसे पहले नताशा जी के लिए एक जो मैंने सरप्राइज यहाँ पर रखा था, नताशा जी को सरप्राइज भी तो दिखाना है। चलो नताशा जी, अभी तो हमारी क्रेटा की जो है सर्विस होनी है, तो सबसे पहले हम इसको तो वहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है ना, सर्विस सेंटर। ठीक है, चलो। और बताओ आप। हेलो मैडम जी, क्या बताऊं। हाँ जी, नाराज हो रही हो क्या मेरे से? मैंने मनपसंद तो कपड़े दिला दिए, अभी आप बात नहीं कर रही हैं, क्यों? नहीं मैं तो नहीं नाराज हूँ आपसे। नाराज ही हो, मजाक कर रही हूँ। चलो नहीं, ओके, इसको थोड़ा सा आगे लो गाड़ी को, बढ़िया, और थोड़ा बैक करो यहाँ पर ना, इसकी क्रेटा की अपनी सर्विस हो जाएगी। चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं, अभी हमें दूसरी गाड़ी से चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, आ जाओ उतर के, आ जाओ बस, आ जाओ इधर को, आ जाओ उतर के। गैस तो हमारी क्रेटा तो अभी जो सर्विस हो रही है, और ये जो है हमें कल तक मिल जाएगी, ठीक है ना। और फिलहाल अभी सिमियन ने हमें जो है यहाँ पर एक शोरूम में किसी की नई गाड़ी आई हुई है, तो उसने हमें दे दी कि इसमें तुम इतने घर तक चले जाओ। और दोस्तों ये पूरी सोने की बनी हुई है, BMW X7। नताशा जी कैसी लग रही है गाड़ी? बहुत खूबसूरत है ये तो, देख रहे हो हमारी कहाँ क्रेटा, और ये देखो BMW, और वो भी प्योर गोल्ड में। ये ना किसी ने अपनी वाइफ को गिफ्ट की है, और वो बंदा इस गाड़ी को कल लेकर जाने वाला है, तो ये मेरा शॉप वाला दोस्त है, तो उसने फिर भी दे दी मेरे को, चल जा कोई बात नहीं ले जा तू। लकी है उसकी वाइफ, और एक आप हो। क्यों मैंने क्या करा आज, क्रेटा नहीं दिलवा रखी तुम्हें? क्रेटा नहीं चाहिए मुझे तो, ये चाहिए। अच्छा पता कितने की है मैडम जी ये गाड़ी? ये गाड़ी कम से कम होगी 8-10 करोड़ की। ओह माय गॉड, आप ले नहीं सकते मेरे पास इतना, मैं इतना पैसा कहां से लेके आऊंगा? गाड़ी आराम से चलानी है बहुत ज्यादा। सनरूफ तो इसके अंदर कितनी सारी है जी, कितनी खूबसूरत है ना ये अंदर से भी। आराम से इतनी जल्दी मत करो, गाड़ी तो जाना है आराम। मेरी बात तो सुनो, अंदर से कितनी खूबसूरत गाड़ी है ये, है ना, कितनी खूबसूरत है। हाँ और ये देखो ऊपर, बहुत खूबसूरत है। इसमें बैठ के तो लोग भी हमारी तरफ ही देख रहे हैं, इज्जत सी बढ़ गई है ना। तभी तो कहती हूँ आप भी कुछ कर लो। अच्छा, हम भी ऐसी कार लेंगे। अच्छा आप भी कुछ कर लो, कि तुम्हें ऐसा क्या लगता है मैं घर पे बेला पड़ा रहता हूँ ये लगता है? अच्छा आप मुझे गिफ्ट ना कर देते? अच्छा मैं तुम्हें गिफ्ट कर देता ये वाली गाड़ी। हाँ बात देख क्या कर रही। अच्छा नताशा जी बहुत महंगी गाड़ी है, जो मेरे बाप दादा की जमीन है ना, जो पड़ी है वहाँ, अगर मैं उसे बेच के भी आ गया ना, तब भी मैं इस गाड़ी का टायर नहीं खरीद सकता तुम्हारे लिए। खरीद सकते हो अगर आप कुछ कर लोगे। अच्छा आप कुछ करते नहीं ना इसलिए। ओह माय गॉड क्या भागती है, मजा यार जिंदगी में पहली बार बैठा हूँ और मैं ऐसी गाड़ी में। क्यों क्या अगर ये लग गई तो हमारी थोड़ी ना लगेगी, उसकी लगेगी जिसकी गाड़ी। एक तो उसने आपको दी है पता है, वरना हमारा अगर ना एक बात बताऊँ नताशा जी, मैं तुम्हें अगर इस गाड़ी पे एक स्क्रैच भी आ गया ना, उस स्क्रैच को रिपेयर करने के चक्कर में बताओ मैं क्या बोल लेगा, बस अपनी क्रेटा भूल जाओ। तो तभी तो बोल रही हूँ धीरे चलो। वो बताओ एकदम क्या बोल लेगा, चलो अपनी क्रेटा को बस यहीं छोड़ दो, वो माफ़ कर दूंगा, है ना। फिर अपनी क्रेटा वहीं पर छोड़नी पड़ेगी आपको।
चलो भाई कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हाँ आराम से ही तो चला रहा हूँ। ए रूपाली, ए रूपाली पकड़ मेरी डाली। चलो नताश जी, मैं क्या कह रहा हूँ, जिमी के घर चलेंगे घूमने? नहीं जिमी के घर नहीं जाएंगे, हम घर जाएंगे। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, चलो यहाँ पास वाले रेस्टोरेंट में घूमते हुए चलते हैं फिर है। हाँ चलो कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। भूख लग रही है वैसे भी दोस्तों, सुबह से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है। और पहले तो नताशा जी को शॉपिंग वगैरह करवा दी, उसके बाद अपनी क्रेटा को सर्विस के लिए दे दी, और अब इस BMW X7 में घूम रहा है। भाई निकाल ले, किसी और की गाड़ी है, पता नहीं लोग बाग अंधे होके चला रहे हैं क्या गाड़ियाँ शहर में। चलो जी कोई बात नहीं। नताशा जी कॉफ़ी पीनी है? पीनी है। कोल्ड कॉफ़ी पियोगी या नॉर्मल? कोल्ड तो, कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। ओह माय गॉड, और कोल्ड कॉफ़ी पीने का ही मेरा भी मन हो रहा है। चलिए मैं यहाँ से गाड़ी का जो यू टर्न ले लेता हूँ और इधर ही खड़ी करता हूँ। ये हम बहुत बड़ी कॉफ़ी शॉप पर जो है पहुँच गए हैं। नताशा जी देखो सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं गाड़ी को, है ना? क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ गाड़ी है ना लग्जरी है, लग्जरी कार है जी। हाँ बहुत ही ज्यादा, इस कार को तो हमने यहीं पर खड़ी कर दी। चलो आ जाओ। कोल्ड कॉफी पीनी है ना आपको भी? जी आ जाओ, रुक आप यहाँ ना बाहर ही रहो, मैं लेकर आता हूँ ठीक है ना जी। थोड़ी सी कॉफी अपने में से मुझे पिला दो, मैंने तो पी ली। नताशा जी पीनी क्या अभी तक आपने? होने वाली है अपनी। अच्छा मैंने तो पी भी ली अपनी, जल्दी पी लिया करो, थोड़ा गले का सुराख छोटा हो गया क्या? पी तो रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा गले का सुराख ही छोटा हो गया तुम्हारा। पी रही हूँ। अच्छा नताशा जी गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है, मैं बार बार देख रहा है इस गाड़ी को। हर कोई ना, जितनी लड़कियाँ यहाँ से निकल के गई हैं, हर किसी ने इसके साथ रील बनाई और फोटो कितने लोगों ने खिंचवा ली अब तक, है ना? मजा आ गया जो बात है आज, है ना? बहुत ज्यादा आज का दिन बहुत खूबसूरत रहा, गाड़ी में बैठ के बहुत मजा आया। हाँ, बहुत खूबसूरत गाड़ी। गाड़ी कैसी लग रही है आपको? बहुत खूबसूरत। जाइए वो उधर को, नताशा की तरफ देख रहा, तेरी ऐसी तैसी चल, देख रहा फालतू में। नताशा तुम्हारी तरफ देख रहा था, आपने मारा क्यों? अच्छा मेरी जाने मन को कोई मेरे सामने देख ले, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? देख ही तो रहा था, तो आपने मार दिया। हाँ मैंने मार दिया, देखो सब यहाँ हबड़ा दबड़ी मच गई, भागने लग गए लोग। अरे मरा नहीं, वो बेहोश हो गया। मेरी बात तो सुन लो। सुनाओ। गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है क्या? बहुत खूबसूरत। अगर काश मैंने तुम्हें गाड़ी गिफ्ट करी होती तो क्या होता? मैं जितना प्यार आपसे करती हूँ ना, डबल करने लग जाती। अच्छा तो इसका मतलब तो तुम गोल्ड डिगर हो? नहीं होता। अच्छा इसका मतलब तो तुम गोल्ड डिगर हो, तुम पैसे के पीछे हो मेरे। यही सोच लो। अच्छा जी यही सोच लो। नताशा जी चलो मैं ना सच बताता हूँ यार, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो हम क्रेटा सर्विस कराने गए हैं और हमें घर जाने के लिए 5-10 करोड़ की गाड़ी दे देगा। हमारी 15-16 लाख की वो कार है, उसके चक्कर में 5-10 करोड़ की गाड़ी देगा। नताशा जी गाड़ी मैंने ही परचेज की है और आपके लिए, और आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है और आप इस बात को भूल गई थी। सच में आपने मेरे लिए की है ये मुझे? हाँ सिर्फ आपके लिए है गाड़ी। जी हाँ सिर्फ आपके लिए है गाड़ी, और मैंने अपनी इतने सालों की जो कमाई है ना, मैंने सारी लगा दी इस गाड़ी के पीछे सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना पैसा जी? बस आया है मेरे पास कहीं से इतना पैसा। चोरी से लिए? अरे मजाक कर रहा हूँ, चोरी वोरी से नहीं ली। तो गाइस यार इस गाड़ी को खरीदने का पैसा मेरे पास कहाँ से आया था वो बात आपको बताया गया जिमी, और ये बात पता चलेगी दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। और आई होप कि यार आज का ये वाला एपिसोड दोस्तों आपको अच्छा लगा नताशा जी की वॉइस के साथ। अगर अच्छा लगा है और आप सभी लोग इसी तरीके से और एपिसोड्स देखना चाहते हैं विद नताशा जी की वॉइस, तो एक बार प्लीज़ कॉमेंट करके बताना कि वी वॉन्ट नताशा जी वॉइस, ठीक है ना? और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, दोस्तों बेल आइकन जरूर से दबा देना। बाकी यार नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों मिलते हैं आप सभी लोगों से, ठीक है? बाकी इजाजत लेता हूं, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी हम मिलते हैं आप सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।